फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ बिना चीनी के झटपट से तैयार होने वाली ये स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। चलिए मैं अभी आपको एक स्वीट तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, बिल्कुल खाते ही मुंह में घुल जाएगी। स्वादिष्ट तो है, साथ ही बहुत ही हेल्दी, तो एक बार आप जरूर ट्राई करें। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से देख लेते हैं कैसे मैंने तैयार किया है स्वादिष्ट बर्फी। फ्रेंड्स, ये स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे 1 कटोरी पनीर। वजन से देखे तो 100 ग्राम है और इसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, तो मैं ले लूंगी एक प्लेट में। तो पनीर को कद्दूकस करके ले लिया है ताकि इजीली हम इसे मिक्स कर ले सभी चीज़ों के साथ। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम ले लेंगे इसमें उसी कटोरी से नाप के 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो सूखे वाले नारियल को ले लो, उसका छिलका ऊपर से निकाल के इस तरीके से मिक्सी के जग में पीस के ले सकते हैं। तो चलिए नारियल का बुरादा भी मैंने डाल दिए। तो फ्रेंड्स, नारियल के बुरादे के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर। साथ ही हम ले लेंगे उसी कटोरी से नाप के 1 कटोरी दूध। 1 कटोरी दूध मैं अभी डालूंगी और 1 कटोरी दूध का हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। टोटल 2 कटोरी दूध का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सभी चीज़ें हम 1 कटोरी लेंगे। तो चलिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इस तरीके से जब हम इसको मिक्स करके थोड़ी देर रख देंगे तो ये जो सूखा नारियल लिया है ये भी दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्रेंड, इस तरीके से जब हम दूध को सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे तो नारियल का बुरादा जो है अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो चलिए सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया, अब अगला काम कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब अगला काम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ले लेंगे कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी। देसी घी में ही स्वीट बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी गुड़। यहाँ मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसकी जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिना चीनी के आज ये रेसिपी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आंच को कम ही रखेंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे गुड़ गर्म हो रहा है घी के साथ, ये मेल्ट हो रहा है। इसे पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, इसी तरीके से इसे मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ही मेल्ट कर लेंगे, पूरा अच्छे से गुड़ को मेल्ट होने देंगे, फिर अगला काम करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे 1 मिनट बाद। फ्रेंड, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, पूरा प्रॉपर मेल्ट हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी दूध। 1 कटोरी दूध का मैंने इस्तेमाल पहले किया था, 1 कटोरी दूध में यहाँ डाल रही हूँ, पहले से उबला हुआ था। तो चलिए दूध को मिक्स करेंगे। इस तरीके से जब हम दूध डालेंगे तो दूध बिल्कुल फट जाएगा जैसे ही गुड़ के साथ मिक्स होगा। तो बेसिकली हमें दूध को फाड़ना ही है ताकि हमारे स्वीट का टेक्सचर बहुत अच्छा है। तो चलिए जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे, देखिए दानेदार टेक्सचर होने लग गया इसका। तो ये देखिए फ्रेंड, दूध थोड़ा थोड़ा फट गया है, तो इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए हमें स्वीट बनाने के लिए। तो अब इसमें डाल देंगे हम ये जो हमने नारियल पनीर और दूध को मिक्स करके रखा है, सारा मैं इसी में डाल दूंगी। देखिए सारा मिक्सचर मैंने दूध में डाल दिया है। तो चलिए अब इसे मिक्स करते हैं और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसे पका लेते हैं। तो अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। तो अब हम गैस को फ्रेंड्स ऑन कर लेंगे और इसे इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो फ्रेंड, दिवाली की भागदौड़ और साफ सफाई में जब आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो आप झटपट से ये स्वीट बना के तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और कम मेहनत कम सामग्री से बन के तैयार होती है, वो भी बिना चीनी के, बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट। तो चलिए इसी तरीके से मैं चलाती रहूँगी और इसे पका लेती हूँ।
इसी तरीके से मैं इसे चलाती रहूंगी और जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए तब तक पकाते रहेंगे। तो फ्रेंड दिवाली की भागदौड़ में जब आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो आप झटपट से ये रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट स्वीट बनी कम सामान और कम मेहनत में। तो एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मैं इसी तरीके से चलाती रहूँगी और मिलती हूँ आपसे 2 मिनट बाद। ये देखिए कितना थिक हो गया, ये अभी से 2 मिनट भी नहीं हुए। तो ये देखिए फ्रेंड 2 मिनट भी नहीं हुए, मैं इसे लगातार चला ही रही हूँ और इस तरीके से पका रही हूँ। ये देखिए थिक होने लग गए। दिवाली की भागदौड़ में जब आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो कम समय कम सामग्री कम मेहनत में आप ये स्वीट बना के तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड बहुत ही स्वादिष्ट स्वीट बनी है। इस तरीके से इसे पका लेती हूँ जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाए। तो मिलती हूँ आपसे लगभग 2 मिनट बाद। तो ये देखिए फ्रेंड 2 मिनट और हुआ है, ये डो फॉर्म में आने लग गया है। तो इसी तरीके से थोड़ी देर में इसे चला के पका लूँगी। आप यहाँ पे चाहे तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं गुड़ और नारियल का ही फ्लेवर रखती हूँ स्वीट में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ लगभग 1 मिनट बाद आपसे। तो ये देखिए फ्रेंड मैं लगातार इसे चलाते हुए तो इसी तरीके से पका रही हूँ और ये देखिए डो फॉर्म में आ गया है, इसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो चलिए स्वीट सेट होने के लिए तैयार है। तो चलिए गैस को बंद करते हैं और इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्वीट को सेट करने के लिए यहाँ ले लिया मैंने एक कंटेनर, इसमें अच्छे से लगा लिया है घी ताकि ईजिली इसमें से हमारा स्वीट निकल के आ जाए। तो अब हम सारा मिक्सचर इसी में डाल देंगे। ये देखिए देखने से लग रहा है बिल्कुल मावे की मिठाई है। ये देखिए मैंने सारा मिक्सचर इसमें ले लिया है। तो चलिए इसे बराबर कर देते हैं, जितनी थिकनेस आपको स्वीट की रखनी है उसी हिसाब से इसे फैला। तो चलिए फ्रेंड मैं इसे अच्छे से फैला के मिलती हूँ आपसे। तो चलिए फ्रेंड मैंने इसे सभी तरफ से बराबर कर दिया है। अब इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़े से कटे हुए बादाम ताकि इसकी लुक और इनहेंस हो जाए। तो इस तरीके से बादाम की कतरन मैं इस पर डाल दूंगी। मैं सिर्फ लुक इन्हांस करने के लिए डाल रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर बिना ड्राई फ्रूट के भी आप इस स्वीट को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इनको भी अच्छे से प्रेस कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं बादाम को भी अच्छे से प्रेस कर देती हूँ ताकि ये भी सेट हो जाए अच्छे से स्वीट के साथ। तो मिलती हूँ इसके ठंडे होने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड स्वीट अच्छे से ठंडा हो गया है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो मैं नाइफ की हेल्प से मनचाही आकार में कट कर लूँगी। तो मैं बर्फी जैसा स्क्वायर स्क्वायर शेप में ही कट कर लूँगी। ये देखिए बहुत आसानी से कट के आ जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाने वाली स्वीट बनती है, साथ ही हेल्दी भी। तो चलिए मैं अच्छे से कट करके मिलती हूँ आपसे। तो ये लीजिए फ्रेंड स्वीट को मैंने कट कर लिया है, बहुत ईजिली कट के आ गया है। तो चलिए मैं एक पीस आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा बना है, इसका टेक्स्चर कितना अच्छा है। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी भी मुंह में घुल जाने वाली, ये देखिए ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ईजी और यूनिक रेसिपीज मैं आप लोग के लिए लेके आती रहूँ। तो मिलती हूँ ऐसी यूनिक और ईजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।